नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि संबंधित वीडियो देखने के लिए आज ही फसल क्रांति का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम, डेजिग्नेशन और आप क्या देख रहे हैं, कितने साल से एग्रोस्टार के साथ जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा। मेरा नाम तेजस कोल्ले, मैं एग्रोस्टार में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट देखता हूँ और गए 4 साल से मैं एग्रोस्टार के साथ काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के सभी किसानों के साथ अच्छा खासा हमारा कनेक्ट है। तो सर, किसानों के से क्या रिस्पांस मिल रहा है? एग्रोस्टार जब शुरू हुआ था तब एग्रोस्टार किसानों का जो भी कोई क्रॉप रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करता था। अभी थोड़ा 4 साल से एग्रोस्टार ने थोड़ा अलग काम सोचा है कि किसान भाइयों ने कोई भी वेजिटेबल या तो कोई भी क्रॉप सिलेक्ट किया तो उसको प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम क्या कर सकते, इसलिए एग्रोस्टार ने गोल्ड ट्रीटमेंट लॉन्च की और उस गोल्ड ट्रीटमेंट में किसान को क्रॉप लगाने से पहले से लेके जो मैनेजमेंट है वहाँ से लेके हार्वेस्टिंग तक सब मैनेजमेंट डे बाय डे डिटेल दिया जाता है और हमारा एग्री एडवाइज़र हर 5 दिन में उनको फ़ोन करके वो सब जानकारी दे देता है। तो इसलिए किसानों के बहुत सारे प्रॉब्लम हम कम करना उसमें पॉसिबल हुआ, उसके साथ साथ उनका खर्चा भी कम हुआ क्रॉप प्रोडक्शन का। जैसे 4 साल में आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो 4 साल में आपने उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, कोई ऐसी समस्या जो मतलब काफ़ी उसके साथ आपको उलझना पड़ा हो या कुछ ऐसा समस्या आई है? हाँ सर, अभी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है ऑन कम्प्लीटली क्लाइमेट एंड रेन, तो उसके कारण बहुत सारे ऐसी समस्या आई। अभी गए 2 साल से महाराष्ट्र के किसान जूझ रहे कि उनको पिंक बोलवम यानी कि सेंद्री बोंड वाली जो कॉटन में आती है उसका अटैक हो रहा है, तो वो फार्मर को थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है और फार्मर का क्रॉप प्रोडक्शन का जो कॉस्ट बढ़ रहा है उसके साथ साथ उनका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और उनको थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी आ रही है। सेकंड चीज़ कि थोड़ा बारिश कम होने के कारण जो वेजिटेबल का ये होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, उस हिसाब से फार्मर मैनेज नहीं कर पा रहे पानी की कमी से, तो ये 2 समस्या मेजरली 4 साल में हमने नोटिस की। सर, जैसे कि हर कंपनी में ग्राफ कभी स्टेबल होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, तो एग्रोस्टार का भी कुछ ऐसा ग्राफ रहा है कि बीच में काफ़ी डाउन हुआ है या अप हुआ है या ग्रोथ कर रहा है हमेशा एग्रोस्टार के ग्राफ में? नहीं, एक्चुअली एग्रोस्टार ने हर साल नया जो इन फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाले उसके लिए कोई ना कोई स्टेप लिए, उस हिसाब से स्टेडी ग्रोथ एग्रोस्टार में रहा और हर साल ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अभी देखो कि शुरुआत में हम फार्मर को कोई एक कॉटन का फार्मर है तो कॉटन के फार्मर को जो भी प्रॉब्लम आते तो उसके लिए हम उसको एक सॉल्यूशन देते थे। अभी ये दिन गए कि फार्मर का एक प्रॉब्लम आ गया, कोई सकिंग पेस्ट आ गया, हमने उनको सॉल्यूशन दिया। अभी जो एग्रोस्टार कर रहा है कि कॉटन लगाने से पहले ही आपको पूरा पैकेज मिलेगा, उसके साथ साथ फ्री में एडवाइस मिलेगी, कंसल्टिंग फ्री रहेगी, तो ये करने से एग्रोस्टार का जो ग्राफ है वो हर साल ऊपर ही जा रहा है। जी, मैं एग्रोस्टार में 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आप एग्रोस्टार में 2 साल से? हाँ जी। तो आपने क्या नया देखा है पहली कंपनी से और अब इस कंपनी में, क्या नया है ऐसा, क्या कुछ बदलाव लग रहा है या फिर कैसा एटमोसफेयर कुछ बताइए? जी, हमारी वन ऑफ दी फर्स्ट या सबसे पहली कंपनी होगी जो डिजिटल स्पेस में नंबर 1 बन गई है किसानों के लिए। हमने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है खास किसानों के, जहाँ वो चर्चा करते हैं और अन्य किसानों के साथ एक कम्युनिटी बना के एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी खुशियां शेयर करते हैं। हम वी आर फर्स्ट ऑफ अ काइंड इन दिस टाइप ऑफ स्पेस एंड वी कंटिन्यू टू ग्रो। हमारे बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और बाकी किसानों से भी मैं कहूँगा आप ही डाउनलोड करिए और एक्सपीरियंस कीजिए एग्रोस्टार एप्लीकेशन। और जैसे नया साल आ रहा है तो नए साल पर क्या नया लेके आ रहा है एग्रोस्टार? जी, नए साल में हमने देखिए अभी हमने पिछले साल में 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, अभी हमारा एक अगला प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है जिसके बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊँगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो गोल्ड ट्रीटमेंट जो हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं और हमारा एग्रोस्टार एप्लीकेशन, ये बहुत ऊँचाइयों पर जा रहा है और बाकी किसानों से भी हम आशा करते हैं कि वो हमारी सर्विस का लाभ ज़रूर उठाएंगे और वो भी इस सर्विस का एक्सपीरियंस करेंगे। एग्रोस्टार से जुड़े हुए हैं आपको कितने साल हो गए हैं, आपने क्या देखा है और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सो मैं भी राकेश के साथ मार्केटिंग देखता हूँ, जो भी हमारे लोकल लेवल पे इवेंट्स होते हैं फार्मर्स के साथ या इस तरह के एग्जीबिशन जहाँ पे हम खड़े हैं वैसे होते हैं, वो मैं हैंडल करता हूँ एग्रोस्टार में, और किस तरह से हम फार्मर से फेस टू फेस आके कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं देखता हूँ। मैं पिछले 1 साल से करीब करीब एग्रोस्टार से जुड़ा हुआ हूँ और एग्रोस्टार में आके मैंने ये पाया है कि जितनी मेहनत हम यहाँ पे किसानों के लिए करते हैं और जितने अच्छे से हम जुड़े हुए हैं किसानों से, शायद ही कोई कंपनी होगी इंडस्ट्री में जो इतनी मेहनत करती है फार्मर्स के लिए
और हम अपने भले से ज़्यादा फार्मर का भला सोचते हैं हमेशा। ये फीलिंग जो है एग्रोस्टार में आके मुझे मिली है हमेशा। सर कैसा रिस्पॉन्स है किसानों का? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आप कह सकते हैं एग्रोस्टार को अपना परिवार मानते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो ऐसे आपको किसी कंपनी के साथ नहीं मिलेगा। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या कहीं और जाएंगे तो वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, पर हमारे साथ परिवार की तरह रिलेशनशिप हो गया है फार्मर्स का, और हमने एक फार्मर को एक कम्युनिटी की तरह अपने साथ जोड़ लिया है। वो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है इतने बड़े देश में करना, बट वो हम करने में सक्सेसफुल हुए। चलते चलते एक क्वेश्चन और सर, कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए आप? एग्रोस्टार का मानना है कि अभी थोड़ा मार्केट का ही इशारा है, किसान के आउटपुट को प्राइस कम मिल रही, तो हम ऐसा संदेश देते हैं कि किसान भाइयों ने अगर स्मार्ट प्लानिंग करते, थोड़ा सा उनके टेक्निक यूज़ करना है जो एग्रीकल्चर में, वो थोड़ा स्मार्टली अगर इम्प्लीमेंट करते तो उनका डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उससे उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिससे किसान भाइयों का जो साल का जो आमदनी है वो बरकरार रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। और वही किसान भाई अगर हमसे जुड़े रहे या कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करते तो उनको फायदा ही होगा। जैसे कि अभी हम पुणे के अंदर किसान के अंदर हैं, तो कुछ दो वर्ड मराठी भाइयों के लिए मराठी में। किसान ह्या प्रदर्शनात अतिशय चांगला प्लॅटफॉर्म मिळतो शेतकऱ्यांना सगळं माहिती घेण्यासाठी, आणि देशी तसेच विदेशी तंत्रज्ञानाची त्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने ओळख करून दिली जाते किसानमध्ये। तर मी किसानचे आभार मानतो आणि येणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा जो प्रतिसाद आहे, तर शेतकऱ्यांना पण दरवर्षी काहीतरी नवीन पाहायचं असतं, आणि दरवर्षी येणारे शेतकरी आहेत अगदी महाराष्ट्रातून नाही तर भारतातूनही विविध कानाकोपऱ्यातून शेतकरी येत असतात आणि माहिती घेत असतात। ॲग्रोस्टारलाही अतिशय प्रचंड असा प्रतिसाद शेतकऱ्यांचा मिळतो। ॲग्रोस्टारच्या स्टॉलला येऊन शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ज्या काही भावना व्यक्त केल्या किंवा त्यांनी काही आम्हाला सूचना दिल्या, त्याही पण फार महत्त्वाच्या असतात, की वर्षभर पुढे जाऊन आम्हाला त्यांचा विचार करून आमचं ध्येयधोरणं ठरवण्यास फायदा होतो। तर एका अर्थाने दोघांनाही अतिशय चांगला प्लॅटफॉर्म आहे हा, शेतकऱ्यांना पण माहितीचं आदान प्रदान होते आणि आमच्यासारख्या कंपनीला जे शेतकऱ्यांसाठी काम करू इच्छितात त्यांनाही पण थोडीशी दिशा मिळते। धन्यवाद। किसान भाइयों, कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृषि संबंधित वीडियो के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल के सभी वीडियोज़। धन्यवाद।